चार पैर हैं, तप, पवित्रता, दया और सत्य। चार युगों में चार पैर थे सतयुग में। अच्छा एक बात बताइए, आप सब लोग कई बार कथा सुनते हैं, पहला युग इसको कृतयुग कहा जाता है, सतयुग कहा जाता है, दूसरे युग को क्या कहना चाहिए? द्वापर कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं त्रेता। तीसरे युग को त्रेता कहना चाहिए, लेकिन कहते हैं द्वापर। चौथे युग को कली कहते हैं। कभी ध्यान गया इस बात पे? द्वा मतलब दो, त्रि मतलब तीन। तो पहला युग तो कृतयुग है, चलो ठीक है, दूसरा युग को त्रेता युग क्यों कहते हैं? तीसरे युग को द्वापर क्यों कहते हैं? इसके पीछे भी धर्म ही मूल कारण है। जिस युग में चारों पैर थे उसको कृतयुग यानी सतयुग कहा गया, जिसमें तीन पैर धर्म के रहे उसे त्रेता कहा गया, जिसमें दो पैर रह गए उसे द्वापर कहा गया, और कली में केवल एक ही पैर रह गया। ये कौन से पैर हैं? तप रूपी पैर। तप का चरण किससे नष्ट हुआ? तपस्या के बाद पहले कौन आता है बताइए? जब हम निर्जला एकादशी का व्रत कर लेते हैं तो पहले कौन पहुंचता है? सबसे पहले मन में अभिमान गर्व आ जाता है, अरे भैया तुमने एकादशी की, हाँ भाई फलाहार करके, हम तो भाई निर्जल एकादशी करते हैं। अच्छा अच्छा तुम दो बार खाते हो, अच्छा कोई बात नहीं, जैसी प्रभु की इच्छा, हम तो भैया निर्जल एकादशी करते हैं। इसका क्या मतलब है? वाहरे में निर्जल एकादशी व्रत करने वाला तपस्या करते ही पहले अभिमान आ जाता है, और वही तुम्हारे तप रूपी पैर कट गया, तपस्या नष्ट हो जाती है, होता है ना। दूसरा है पवित्रता। पवित्रता मतलब भीतर और बाहर का शौच। स्नान करके भोजन करना, बिना नहाए रसोई में ना जाना, कुछ खाओ तो हाथ धोना, पानी पियो तो ऊपर से पानी पीना, बर्तनों को रसोई को शुद्ध रखना, प्याज लहसुन गाजर बीट छिचिंदा मसूर की दाल ये सब नहीं खानी, ये सब क्या है? पवित्रता। और ये पवित्रता का जो पैर है वो कैसे नष्ट होता है बताइए? आसक्ति से। क्या करें महाराज जी, आपने कहा था प्याज लहसुन मत खाना, हम नहीं खाते, लेकिन ठंड में ऐसी लाल लाल गाजर आती है, हम गाजर का थोड़ा हलवा देखते हैं ना तो मन मचल जाता है, महाराज जी गाजर का हलवा खा ले। अब महाराज जी क्या बोलेंगे? बोले चूल्हे में पड़, तेरी इच्छा में रोकने से थोड़ी रुकेगा, है ना। आसक्ति, प्याज में मन जा रहा है लेकिन हम बोलते हैं अरे भाई मन से भजन करो, मन चंगा तो कठौती में गंगा, फिर प्याज खाने से क्या जाता है? कुछ नहीं जाता, खाओ। अरे भाई हमारे उड़ीसा में बोलते हैं मन को करी कल बोल धर्म करीबा किस भल है, कहते हैं मन को मार के धर्म करना अच्छा नहीं है। हमारे जयपुर वाले भी ऐसे ही कहते हैं, मन को काहे मारना, प्रेम से खाओ, भगवान थोड़ी कहता है ये मत खाओ वो मत खाओ। तो उनसे कहना भगवान का फोन नंबर अगर तुम्हारे पास है ना तो हमको भी दे दो, हम भी पूछ लेंगे क्या खाना है क्या नहीं खाना, बोलो राधे राधे। सब बोलते हैं भगवान ने थोड़ी कहा है, भगवान ने थोड़ी कहा है, मानो भगवान इनसे बात करने रोज फोन लगाते हैं, ठाकुर जी मिस्ड कॉल लगाते हैं, ये अपने जियो नंबर से कॉल लगा देते हैं, हेलो ठाकुर जी हाउ आर यू, कैन आई टॉक टू यू फॉर सम टाइम। ठाकुर जी बोलते हैं भाई इंग्लिश समझ में ना आए हमको तो, हमको तो नंद बाबा ने कछु पढ़ाई कराई ना,
हमको तो ब्रज भाषा में बोलोगे और नेक नेक हिंदी भी हम समझ लेंगे हैं आजकल, दिल्ली से बहुत भक्त आते हैं इसलिए। बोलो राधे राधे। हाँ ठाकुर जी क्या कहते हैं, जो शास्त्रों में लिखा है वही ठाकुर जी की वाणी है। इसलिए भगवान श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं तस्मात् शास्त्रं प्रमाणन्ते कार्या कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुर्मिहार्हसि यः शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारत न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्। शास्त्र के वाक्य को मान के आचरण करो और शास्त्र के आचरण को छोड़ के मनमाना आचरण करोगे तो ना तो सिद्धि मिलेगी, ना सुख मिलेगा और ना मुक्ति मिलेगी, कुछ भी नहीं मिलेगी। बोलो राधे राधे। तो धर्मदेव का जो दूसरा पग है पवित्रता, वो आसक्ति से। मम्मी बोलती है बेटा नहा के भोजन करना, बेटा बोलता मम्मी मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है आज मैं नहाऊंगा नहीं, मम्मी थोड़ी सी चाय दे देना, बिना नहाए चाय दे दे, दो बिस्कुट दे दे, खा ले बेटा, हो गई आसक्ति। धीरे धीरे वो बेटा फिर बैड टी पीने लगेगा, बैड टी पीते पीते बैड बॉय बन जाएगा। बोलो राधे राधे। अब दया, दया जो है धर्म का तीसरा पैर है, और तीसरा पैर कैसे कटता है, मद से। हम में दया तो होती है पहले पहले, चलो उसको भी दान दे दे, उसको दान दे दे, उसको दान दे दे। तीर्थों में लोग आते हैं पहले के भिखारी 8-10 जनों को दान दे देते हैं, उसके बाद के भिखारियों को दान नहीं देते, चलो चलो निकलो, ऐसे ही बैठे रहते हैं सब, खूब पीछे ही पड़ जाते हैं। अरे हमने 1,000 रुपए के सिक्के मंगवाए थे, सब दान कर दिए, फिर भी ये पीछा ही ना छोड़े। दया में अगर मद चढ़ गया, अभिमान चढ़ गया मन में, अपने सुख में जो डूबा है वो दूसरे का दुख नहीं देख सकता, इसलिए वो दया नहीं कर सकता। अपने सुख में जो डूब जाता है उसे मद कहते हैं। देखो कल मैं कह रहा था ना, किसी गरीब के घर में जाओ तो 2-5 रुपया मिल जाएगा, लखपति के घर में जाओ तो 1 रुपया मिलेगा, करोड़पति के घर में जाओ तो गाली मिलेगी, और अरबपति के घर में अगर पहुंच गए तो सीधा मार पिटाई ही मिलेगी और कुछ नहीं मिलेगी। ठीक है ना, अनुभव है या नहीं? करोड़पति के द्वार पे भिखारी आ गया तो तुरंत उसके आ जाते हैं, गार्ड आ जाते हैं, कहां आया है? निकल, नहीं तो एक डंडा पड़ेगा। तो ये क्यों होता है, मद से, धन का मद हो गया, गरीबी का दुख उनको पता नहीं है। तो ऐसे लोगों को जब भगवान सुधारना चाहते हैं ना तो उनके धन का हरण कर लेते हैं। तो तप, पवित्रता, दया और सत्य, चौथा पैर सत्य, ये अभी भी जीवित है। तो आप कहेंगे महाराज जी अब ये मोबाइल का प्रचलन जब से आ गया तब से तो केवल असत्य ही असत्य चल रहा है, घर से निकले नहीं, महाराज जी का फोन आ जाता कहाँ हो, अरे महाराज जी पहुंच गया ना आश्रम के दरवाजे पे तो खड़ा हूं, होता है ना। कहाँ हो, महाराज जी होते हैं अपने आश्रम में, फोन करते हैं, चिंता मत करो प्रवचन के टाइम पे हम पहुंच जाएंगे आधे रास्ते में, हम तो बोल देते हैं विजय जी बोलो आधे रास्ते हो गए, फिर बोलते 110 की स्पीड में चलाओ, 120 की स्पीड में चलाओ, चलाओ भैया जल्दी चलाओ, कथा का टाइम हो गया। तो ये मोबाइल तो अच्छे अच्छों से झूठ बुलवा देता है। फिर सत्य रूपी पैर कैसे है, सत्य रूपी पैर कैसे टिका है, मैं बताऊं आपसे, हम सत्य बोलते हैं या नहीं ये तो नहीं टिका, लेकिन संत हैं जो अब भी सत्य स्वरूप भगवान के नाम रूपी परम सत्य को सदा सर्वदा उच्चारण करते रहते हैं, इसी भगवान नाम के भरोसे धर्म टिका हुआ है। बोलो भगवान नाम महाराज।